हेलो बिरकर बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज की रात बस इंग्लिश की बात, क्योंकि वक्त वैसे भी नहीं मिला इंग्लिश में, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें अधिकांश क्वेश्चन तो आपको खुद से करना होता है। भले कोई कितना पढ़ाए, जो एकदम रियल है हम वही बता रहे हैं, कोई कितना भी पढ़ाए बच्चों वो आपको खुद से करना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन हाँ बस ये है कि भाई तरीका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। वही आज हम आपको पूरा का पूरा एकदम इंग्लिश का भाई पूरा खोल कर पोस्टमार्टम करने वाले हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर। तो चलिए शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, फ्रेश माइंड से स्टार्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा अनसीन पैसेज। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका ये पूछा जाएगा, क्या अनसीन पैसेज? ठीक, अब अनसीन पैसेज का मतलब समझ ही रहे हैं भाई, अनसीन, जो कभी सीन ही ना किया हो उसको अपन क्या बोलते हैं कि अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज की बात करें बच्चों, ये आपके एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन होगा, पूरे 15 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें कुछ ऐसी बेसिक सी बातें होती हैं जो आप अगर अपने माइंड में रख लिए तो आपका पेपर एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि पहले भी हम बताते चले आए बच्चों कि ये सब कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं ये पढ़ा दूंगा पूरा मिल जाएगा, कोई नहीं कहेगा बच्चों, ये सिर्फ आपको अपने तरीके से करना होगा। ये इसमें आपके आईक्यू लेवल को जांचने के लिए ही बोर्ड ये क्वेश्चन देता है कि आपके सोचने समझने की क्षमता कितनी है, कि आप कितना कुछ सोच सकते हो, किस तरीके से जो ये पैसेज दिया रहेगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका आंसर लिख सकते हैं। ये आपको खुद से करना है, कोई हेल्प नहीं करेगा। तो हमें भाई 15 नंबर पहले ही क्वेश्चन में मिलेंगे। सेक्शन ए होगा रीडिंग, यानी पहला ही क्वेश्चन सेक्शन ए होगा। ठीक, तो इस तरह से आपका अनसीन पैसेज होगा, इससे रिलेटेड यहां पर नीचे आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से एक 3 क्वेश्चन जो होंगे यानी एक एक नंबर वाले वो वोकैबुलरी से होंगे, हालांकि इनका भी जो आंसर है इसी में से मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि ए ओल्ड मैन बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय सीजलिंग क्वेरलिंग गोइंग ऑन अमंग हिज सन्स। कह रहा है कि ए ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति बीइंग डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशान होकर या तंग होकर के, बाई सीजलेस क्वेरलिंग, क्वेरलिंग का मतलब लगातार चल रही लड़ाई झगड़े को, गोइंग ऑन मतलब वही चल रहे, एमंग मतलब बीच में, हिज सन्स अपने बेटों की, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटों के बीच में लगातार चल रही लड़ाई से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वन डे, एक दिन ही कॉल्ड देम, एक दिन उसने क्या किया, उनको बुलाया यानी अपने बेटों को बुलाया, टू हिम यानी अपने पास, एंड सोव्ड देम और उनको दिखाया, ए बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब एक लकड़ियों का ढेर। एक दिन क्या किया, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें लकड़ियों का एक ढेर दिखाया। ठीक है, कह रहा है कि देखिए टाइड टुगेदर जो साथ में बंधी हुई थी, एंड आस्क्ड और पूछा कि इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग एनफ, कि या कि उसने बोला कि क्या तुम में से कोई इतना शक्तिशाली है कि टू ब्रेक देम, जो इनको तोड़ सके, मतलब लकड़ी का एक बंडल दिखाया, अपने बेटों को बोला कि तुम में से कौन इतना शक्तिशाली है जो इस बंडल को तोड़ सकता है। ठीक, आगे लिखेंगे कि फर्स्ट, मतलब आगे दिया है कि फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइब। देखिए कह रहा है कि फर्स्ट वन सबसे पहले, मतलब क्या है कि फर्स्ट वन सबसे पहले क्या किया, पहले ने प्रयास किया, फिर उसके बाद अनदर यानी दूसरे ने प्रयास किया, बट कह रहा है कि ऑल्दो दे वेयर ऑल, देखिए यहां पे रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है देखिए, हालांकि वो सब हट्टे कट्टे थे, एंड ठीक हेफ्टी का मतलब एकदम जैसे नव युवक, ठीक यूथ यंग मैन, कि वो हट्टे कट्टे और नव युवक थे। कह रहा है कि दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सबके सब फेल हो गए, सबके सब फेल हो गए यानी कोई तोड़ नहीं पाया। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने क्या किया, बंडल को खोल दिया, बंडल को खोल दिया, एंड टोल्ड देम और उनको कहा, मतलब ब्रोक इच, कहा गया भाई हाँ, एंड टोल्ड देम टू ब्रोक इच स्टिक सेपरेटली, और क्या किया भाई कि उसने फिर कहा कि तेजी से या जल्दी से अब इन क्या करो, लकड़ियों को तोड़ दो। तो दिस दे डिड इजली, उसे उन लोगों ने क्या किया, बड़ा आसानी से कर लिया, दिस दे डिड उन्होंने कर दिखाया इजली आसानी से, एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस, जल्द ही सारी की सारी जो लकड़ियां हैं जो छनी थी वो क्या है, टुकड़ों में बंट गई। दस कह रहा है कि ही टॉट देम, इस प्रकार उसने उनको पढ़ाया यानी अपने बेटों को पढ़ाया, दैट कह रहा है कि अनटाइड दे कहा गया भाई, दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, मतलब जब तक क्या है वो बंधे हुए रहेंगे।
ठीक, मतलब जब तक कह रहा है कि मतलब यहां पे यूनाइटेड आप पढ़ सकते हैं, यूनिटी, यूनिटी से यूनाइटेड बड़ा, कि जब तक वो बंधे रहेंगे मतलब जब तक उनमें एकता रहेगी वो सबके सब क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बट कह रहा है कि डिस मतलब अनटाइडेड दे वुड बी ऑलवेज बी वीक, लेकिन अगर उनको खोल दिया जाए यानी अगर उनमें एकता ना रही तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। मतलब ये एक आपने प्राइमरी में पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है बच्चों की, एकता में ही बल है। तो ये आया हुआ ही है, हालांकि 2019 में ये पूछा गया था, उसके बाद मतलब नहीं आया है। ठीक, तो यहां पर वही चीज है कि भाई बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटों को बुलाता है और उनको बंडल का एक ढेर दे देता है कि तोड़ दे, सब प्रयास करते हैं विफल हो जाते हैं, कोई नहीं तोड़ पाता है। फिर उसने क्या किया, बंडल को खोल दिया, फिर अपने बेटों को कहा कि तोड़ो तुम लोग, तो सब ने क्या किया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया लकड़ियों को। फिर इसने एक पाठ पढ़ाया कि जब तक ये बंधे थे तो तुमने नहीं तोड़, भाई तुम तोड़ भी नहीं पाए, तो ये समझाया कि जब तुम एक साथ मिलकर रहोगे सब लोग तो मजबूत रहोगे, और जैसे ही तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा होगा अर्थात तुम लोग जब तुम्हारा बिखराव हो जाएगा तो तुम लोग कमजोर पड़ जाओगे। तो ये चीज क्या है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से नहीं उस बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। अब देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड आपके यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इससे रिलेटेड यहां पर नीचे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं कि कह रहा है कि व्हाई वाज द ओल्ड मैन सेड, कि ओल्ड मैन बूढ़ा जो व्यक्ति था वो दुखी क्यों था, क्या रीजन है। तो देखिए मैं हमने कहा कुछ ना करिएगा बच्चों, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो आप जिस टेंस में है उसी टेंस में आपको आंसर भी लिखना है। तो सब जब हम इसको सिंपल बनाएंगे तो हम करेंगे क्या भाई, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ओल्ड मैन है तो हम लिखेंगे कि द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, अब भाई वाज वेयर है जो भी रहेगा हम लगाएंगे ना, वाज सेड, द ओल्ड मैन वाज सेड मतलब सेड जो बूढ़ा व्यक्ति था वो दुखी था किसके कारण। देखिए बोल रहा है बच्चों एक चीज बोला है कि बाई, यहां से देखिएगा जरा, ठीक, बाई सीजलेस क्वेरलिंग एमंग मतलब गोइंग ऑन एमंग हिज सन, यानी अपने बेटों के बीच में चल रही लड़ाई को लेकर के वो परेशान था, दुखी था या तंग था। तो मिल गया ना, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा बच्चों, सीधा सीधा मिल गया भाई। तो आप लिख देंगे यही पर पूरा सेड मतलब सेड बाई, ठीक, बाई यहां पर पूरा का पूरा लिख देंगे बच्चों, सीजलेस, सीजलेस क्वेरलिंग, सीजलेस क्वेरलिंग, क्वेरलिंग गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, गोइंग ऑन यहां पर एमंग हिज सन्स, ऊपर लिख दे रहे हैं एमंग, एमंग हिज सन्स, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि बस इस तरह के, जरूरी नहीं कि भाई यही आएगा, ठीक है ना। ये तो आपको मतलब एक भाई एक क्या है कि ये एक पैटर्न है, सेम इसी तरीके का पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं तो किसी में आ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लेसन डिड ही टीच हिज सन्स, कि मतलब उसने अपने बेटों को मतलब कौन सा पाठ पढ़ाया, कौन सा पाठ पढ़ाया। लास्ट में अगर आप नजर डालिए एक बात कहा है बच्चों, दस ही टॉट देम, दैट कह रहा है कि यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, कि एकता से वो सभी के सभी मजबूत रहेंगे। कह रहा है कि बट दिस यूनाइटेड दे वुड बी ऑलवेज वीक, लेकिन वो जब उनके बीच मतलब जब क्या है अलगाव हो जाएगा तो कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक, तो यही तो पाठ पढ़ा रहा ना, तो पूरा इसमें कुछ नहीं करना, इस वाले में कुछ नहीं, आप यही का पूरा ऐसे पूरा यहां से छापिएगा पूरा, हमने बोला ना कि भाई इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, वैसे भी भाई आपका देख सकते हैं पास्ट में है तो ये पास्ट टेंस में है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, पूरा यहां पर लिख देंगे कि ही टॉट देम दैट, पूरा का पूरा यहां से यहां तक, तो मतलब इस वाले का आंसर पूरा मिल गया। तो इस तरह से होता है, एक बार आप ढंग से इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा पूरा, बच्चों दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके 15 में से 12 नंबर 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन, ये अंडरलाइंड पोर्शन का एक्सप्लेन करना है, मतलब इसका कह रहा है कि मतलब क्या होगा, यहां से डिस्ट्रेस बाई सीजलेस क्विरलिंग, इसका मतलब क्या, इसका अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो भाई डिस्ट्रेस का मतलब क्या होना, परेशान होना, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी अपने से बना लिख सकते हैं डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, ठीक, डिस्टर्ब बाई,
ठीक, लिखेंगे बाई क्वेरलिंग, क्वेरलिंग, ठीक, बस हो गया डिस्टर्ब्ड बाई क्वेरलिंग, ठीक, मतलब यहां पे कंटिन्यूअस क्वेरलिंग लिख सकते हैं, ठीक, यहां पर डिस्टर्ब बाई कंटिन्यू कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली, ठीक, उसके बाद क्या है क्वेरलिंग इस तरह से, मतलब ऐसे इसको अपने से बनाकर, मतलब ये कह रहा है कि ये जो चीज लिखा है इसको अपने शब्दों में लिख देना है और कुछ भी ना लिखना है, ठीक। इसमें डिस्ट्रेस का मतलब परेशान हो जाना, बाई सीजलेस का मतलब लगातार, ठीक, क्वेरलिंग का मतलब लड़ाई झगड़ा, तो इसका मतलब क्या है डिस्टर्ब मतलब हो जाना परेशान, तो डिस्टर्ब बाई कॉन्टिन्यूसली क्वेरलिंग का मतलब, कॉन्टिन्यूसली का मतलब क्या होता है लगातार, ठीक, कंटिन्यू का मतलब लगातार, ठीक, और उसके बाद क्वेरलिंग का मतलब लड़ाई झगड़ा, तो इसको हमने क्या किया थोड़ा अपने शब्दों में लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव ए सूटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज, अगर कह रहा है इस ऊपर वाले यानी एबव पैसेज का हम एक टाइटल देना चाहें, पाठ का नाम देना चाहें, तो पाठ का नाम क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है बच्चों का, अगर हम इसको एक पाठ का नाम देना चाहें तब हम नाम क्या दे सकते हैं, तो भाई इसका हम एक नाम दे सकते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता में बल है, तो यही तो चैप्टर का नाम, अगर हम देना चाहेंगे क्या होगा चैप्टर का नाम, ये दे सकते हैं कि एकता में ही बल है, ठीक है, मतलब एकता में क्या है बच्चों बल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तो आपके चार हो गए नहीं, पहले वाला तो भाई, दूसरा तो यहां से यहां तक बता दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब देखिए यही जो परेशान करता है बच्चों को ये वाला परेशान करता है, ये जो देगा बच्चों इसमें तीन वोकैबुलरी से होंगे, यानी इसमें आपका साइनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम्स भी हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक, इसमें मतलब ऐसे कुछ भी बना सकता है अपने तरीके से, तो लेकिन ज्यादातर यहां पर होता है कि भाई वही साइनोनिम टाइप के होते हैं कि उसी को मैच करता हुआ। कह रहा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जैसे कह रहा है कि कॉन्स्टेंट एंड अनएंडिंग, कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार एंड अनएंडिंग यानी जो खत्म ही ना हो, तो इसके मतलब और इसका अर्थ इसमें क्या हो सकता है, तो गौर से देखिएगा, सीजलेस का मतलब लगातार, तो लिख देंगे बस हो गया, बस हो गया बच्चों, ठीक, क्या हो जाएगा मतलब जो सीजलेस था, सीजलेस इसका अर्थ हो गया बस, तो सीजलेस का मतलब लगातार, मतलब कॉन्स्टेंट रूप में। दूसरा कह रहा अपसेट आर वरीड, अपसेट, अपसेट का मतलब क्या है परेशान होना, तो किसके मतलब परेशान होना, ठीक, तो कहां गया भाई यही तो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख देंगे डिश, मतलब यही पर डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या है परेशान होना, मतलब क्या हमने कहीं ढूंढा नहीं, ढूंढा ना, हमें पता है कि इसके मतलब ये होता है, तो इसका मतलब भी अर्थ वही है। अगला है कि लार्ज एंड हैवी, लार्ज एंड हैवी का मतलब क्या है भारी भरकम, किसके मतलब भारी भरकम, हेफ्टी हमने बताया था, हेफ्टी के मतलब भारी भरकम, तो आप लिख देंगे बच्चों हेफ्टी, क्या लिख देंगे हेफ्टी, तो देख सकते हैं भाई इसमें क्या करना पड़ा, जो कुछ भी करना पड़ा वो हमें केवल पैसेज, यानी इसमें इतना आसान होगा बच्चों कि आपको सारे क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको पैसेज से ही मिलेगा, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आप भले अर्थ निकाल पाए या ना निकाल पाए कोई मैटर नहीं करता है, बस आप बस एक काम करिएगा बच्चों कि आप बढ़िया तरीके से सबसे पहले आप पैसेज को एक दो बार ढंग से पढ़ेंगे, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतनी ज्यादा चीजें क्या है सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, यानी जो दिक्कत है वो सब सही हो जाएगा, ठीक, ये दूसरे वाले का था यहां पर, तो ये एक डेमो के तौर पर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब पूरा का पूरा आज हम इंग्लिश का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, बस इतना याद रखना, ठीक है ना, इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है बच्चों, भागना नहीं है, नहीं फिर वही होगा ना, बायोलॉजी में हर एक सेट में पूरा का पूरा मिला था, कुछ बच्चों ने बाद में बोला सॉरी सर हमको मतलब उसका मतलब नहीं पता था, एक दे दिया है कि विदेशी जातियों का आक्रमण पर टिप्पणी लिखिए, बताइए पूरा बताया था जैव विविधता के क्षति के कारण में, अब उसको नहीं लिख पाए, बोले सर वो हेडिंग के रूप में बीच में दिया था पता ही नहीं चला, भूल गए। आनुवांशिक विकार को अगर पता चले कि कोई और नाम से दे दिया है उसको, जेनेटिक जैसे हिंदी में विकार पूछ लिया तो बोलते हैं सर यहां पर पता ही नहीं चला हमें, तो भाई गलती आपकी होती है ना, वीडियो को पूरा नहीं देखते, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हम पिछली वीडियो तो देख ही नहीं पाए, बाद में देखा पूरा वहीं से था, तो ये गलती ना किया करो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत भाई ना हो।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन होगा सेक्शन बी, आपका जो दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश के पेपर में सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन ए में केवल और केवल आपका अनसीन पैसेज होगा, ठीक, 15 नंबर का। अब उसके बाद ये जो होगा सेक्शन बी होगा, ये आपका इसमें आपके दो टॉपिक होंगे, एक तो आपका आर्टिकल होगा और दूसरा आपका लेटर हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल आपको देगा बच्चों 10 नंबर का, 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है, ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। ये संकेत कह पहले ही बोर्ड कर देगा भाई कि 100 से 150 शब्दों में लिखना है और तीन टॉपिक आपके देंगे, तीन में कोई एक करना होता है आप लिख लोगे बच्चों। अगर आपने निबंध लिखा है हिंदी में, निबंध आपको पूरा पता है, तो वही बना बनाकर सरल से सरल तरीके से आप उसको अंग्रेजी में अनुवाद की तरह कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अब ये मत करना कि सर जो बताया कुछ भी नहीं आया, हम बताएं या ना बताएं, हमारे बताने ना बताने से कोई मतलब नहीं, कोई टीचर 100% गारंटी नहीं लेगा बच्चों, लेकिन हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको हिंदी में अगर जैसे निबंध तैयार है तो अंग्रेजी में करना क्या है, बस उसी को अनुवाद के रूप में बनाकर लिख देना है, ठीक है। जैसे आपका देगा भाई कि पहला दे देगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, और 100% है बच्चों किसी ना किसी सेट में तो जरूर देगा ये वाला। अब किस सेट में आएगा भाई ये नहीं जानते कोई, ठीक भाई, जिसका आ गया तो उसकी तो भाई क्या है निकल पड़ेगी, सब बताया गया है। दूसरा साइंस बून आर बेन, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, या फिर कहेगा स्टेटस ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया की आधुनिक भारत में महिलाओं का क्या योगदान है, या फिर देख देगा कि रोल ऑफ यूथ इन इंडिया की भारत में क्या जो यूथ है नवयुवक है उनकी क्या भूमिका है, या फिर मदर के बारे में दे देगा कि फैमिली में मदर का क्या दर्जा होता है। तो ऐसे हेल्थ इज वेल्थ वाला तो अभी पिछली वीडियो में करवाया ही है, तो बहुत सारे हमने लगभग 10 प्रकार के आर्टिकल करवा दिए हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जो तीसरा है अभी इसको भी एक करवा दे रहे हैं, ये वाला भी हम करवा रहे हैं, ठीक है ना, परेशान मत रहिए। अब तीसरा जो क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन लेटर का होगा, और लेटर वाला भी बच्चों ये भी आपका 10 नंबर का आएगा, और इसमें बेनिफिट ये है कि ये आपका अथवा में रहेगा, इसलिए इसमें यही लाभ है कि ये अथवा में रहेगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, क्लियर, परेशान बिल्कुल नहीं होना है बच्चों। अगर हम बात करें तो जैसे देगा कि पहला कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, नेशनल डेली मान लेते हैं कि कोई न्यूज़पेपर है, जैसे अमर उजाला होता है, दैनिक जागरण होता है, ठीक, नव भारत होता है, ठीक, या अंग्रेजी में जैसे होता नहीं कि द हिंदू होता है, नेशनल टाइम होता है, तो वैसे बहुत सारे हैं, तो वैसे कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है, कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया दे देगा या कुछ भी दे देगा कोई न्यूज़पेपर का नाम। तो यहां पे राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी वाटर टैक्स मतलब वाटर टैक्स जो है हाई राइज, जो वाटर टैक्स में बढ़ोतरी है उसकी दाम में, उसके बारे में किसी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है कि भाई इस चीज को उजागर करो। अथवा में देगा आपका कोई एक कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, ये भी पक्की बात है बच्चों किसी न किसी सेट में आएगा, ठीक है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों 10-10 नंबर के टॉपिक होंगे, कोई भी टॉपिक आए छोड़ना नहीं है, ये नहीं कहना है कि सर ये नहीं बताया था आया ही नहीं, ठीक, ये नहीं करना है, क्योंकि हम पिछले एक साल से इतना ज्यादा करवा चुके हैं ना कि आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि सर ये नहीं करवाया है, इसका हम सबूत भी दे सकते हैं कि इतनी वीडियोस है और हर एक वीडियो को देखना आपके लिए अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये चीज नहीं करना, खुद से बनाकर लिखने का प्रयास करना है बच्चों, हम हमेशा से आपको यही बात बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके आर्टिकल को, एक आर्टिकल रखा है यहां पर साइंस ए बून आर बेन, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, तो विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप पर एक बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल लिखा है, और इतना सरल, इतना मक्खन जैसा है, एकदम हलवा है, ठीक है, कोई भी हमारा रसगुल्ला बस एक बार इसको अच्छे से देख ले पूरा फोड़ सकता है, ठीक है। चलिए लिखेंगे कैसे बच्चों कि टुडे आवर लाइफ इज गवर्न्ड बाय साइंस एंड इट इज अ डिफिकल्ट टू इमेजिन विदाउट साइंस, कह रहा है कि आज जो हमारा जीवन है वो विज्ञान के अधीन है, ठीक, यानी आज कहने का मतलब जो है भाई आज विज्ञान का राज है, आज हमारे जीवन पर विज्ञान का क्या है राज है, एंड कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन विदाउट साइंस, आज साइंस के बिना यानी विज्ञान के बिना कल्पना करना भी क्या है असंभव है, कह रहा है कि द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, कि आधुनिक काल विज्ञान का काल है, इट इज मेड
इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, कि इसने असंभव चीजों को संभव बना दिया है। जैसे विज्ञान में आप लिखे थे ना कि आपका जो हिंदी में आया था, तो भाई वही चीज आप अंग्रेजी में बनाकर लिखिए, क्या दिक्कत है, इतना सरल लिखा है, सरल से सरल लैंग्वेज, किसी क्वेश्चन बैंक में इतना आसान आपको मिलेगा ही नहीं। कि भाई क्या बोल रहा है कि आज क्या है कि पूरा विज्ञान का युग है या फिर हमारे जीवन पे विज्ञान का राज है, कि विज्ञान के बिना क्या है कल्पना करना भी असंभव है, और आज का जो समय है वो विज्ञान, यानी आज का युग विज्ञान का युग है। फिर आगे कह रहा है कि विज्ञान ने अर्थात इसने असंभव को संभव बना दिया है, ठीक। और वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग विदाउट साइंस, कि हम बिना विज्ञान के किसी बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे कि इट इज यूजफुल टू अस, या हमारे लिए क्या है बहुत ही लाभदायक है। आप कह रहा है कि टू अस इन एवरी वॉक ऑफ वॉक होगा एक एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी जीवन के हर एक मोड़ पर, यानी आज क्या है हर एक कदम पर विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है या फिर बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। लिखेंगे कि द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत की जो खोज है, इज अ ग्रेट बोन। कह रहा है इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ ग्रेट बोन, कि जो विद्युत का की खोज है वो एक महान क्या है, देखिए वरदान है, बोन का मतलब वरदान, एक महान वरदान है। इट इज कह रहा है नाउ यूज टू कुक आवर फूड, भाई इससे किया मतलब इससे क्या है हमारे मतलब जो हमारा खाना है उससे बनाने में मदद मिल रही है। टू वॉश क्लॉथ्स, कपड़ों को धुलने में मदद मिलती है। टू लाइट अवर हाउसेस, हमारे घरों को ये प्रकाश देता है। एंड स्ट्रीट्स, और गलियों को। तो भाई आज विज्ञान इलेक्ट्रिसिटी की जब से खोज हुई तो ये किसके लिए लाभदायक है, सबसे पहले भाई तो इससे आज खाना बनाया जा रहा है, कपड़ा धुला जा रहा है, और इससे क्या है हमारे घरों में और गलियों में प्रकाश हो रहा है। इट रन्स अवर ट्रेन्स, इससे हमारी क्या है ट्रेनें दौड़ रही है, ठीक। द इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन, हीटर, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ETC मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, कि इसने क्या किया है कि भाई हमारे जीवन को बड़ा ही आरामदायक बना दिया। किसने? इलेक्ट्रिक फैन, भाई एक बटन दबाओ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ होगा ना, फीलिंग आएगी वही चीज, वही ठंडक मिल रही। हीटर, ठंडी है तो हीटर का मजा ले रहे हैं। प्रेस है भाई, स्त्री कर रहे हैं कपड़े एकदम क्रिश वगैरह टाइट कर रहे हैं। रेडियो है तो रेडियो का जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि भाई नहीं तो रेडियो पे सारा दिन लगे रहते थे। टेलीविजन, टेलीविजन का मई उसमें क्या है दुनिया भर के आप मतलब चलचित्र का मजा ले रहे हो। मोबाइल फोन, ETC, ये सभी क्या है हमारे जीवन को आरामदायक बना चुके हैं, हालांकि आलसी भी बना चुके हैं, क्योंकि दोनों है और दोष और दोष मतलब गुण अवगुण दोनों है। आगे लिखेंगे बच्चों कि साइंस हैज हेल्प्ड डॉक्टर्स इन फाइटिंग डिसीजेस, कह रहा है कि विज्ञान ने डॉक्टरों को मतलब विज्ञान ने डॉक्टरों की रोगों से लड़ने में मदद किया है। कैसे मदद किया है कि भाई कह रहा है रेडियम, एक्सरे, ETC आर वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, कि ये जो रेडियम हो गया, एक्सरे हो गया, ये विज्ञान के अद्भुत क्या है आविष्कार हैं। कह रहा है इट गिव्स, ये देता है आईज टू ब्लाइंड, अंधे को आंख, ये अंधे को आंख देता है। कह रहा है टंग्स टू डम्ब, यानी गूंगे को क्या है जुबान देता है, ठीक है। अब उसके बाद लेग्स टू लेम, लंगड़े को पैर देता है। एंड ईयर्स टू डीफ, और कह रहा है कि जो क्या कहते हैं कि भाई जो बहरे लोग हैं उनको कान देने का काम किसके कारण है, भाई आज टेक्नोलॉजी है, साइंस है, यानी इसी के द्वारा। आगे लिखेंगे बच्चों कि साइंस हैज इन्वेंटेड मेनी न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, कि साइंस ने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के बहुत सारे नए साधनों का आविष्कार किया है। कह रहा है एज मोटर कार्स, जैसा कि मोटर कार, एरोप्लेन, ट्रेन, ETC। आगे लिखेंगे बच्चों कि साइंस हैज गिवन अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, कि साइंस ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के मशीन दिए हैं। अब मशीन की बात करें बच्चों, एग्रीकल्चरल मशीन हो गई, ठीक भाई, ये जो रोटावेटर है देसी, पता चले ये फार है जो हल है, उसके बाद ट्रैक्टर हो गया, मतलब ये कृषि के क्षेत्र में, और बहुत सारी ये अन्य भी मशीनें क्या है संचालित हो रहे हैं, समरसेबुल है, ट्यूबवेल है, ये सब क्या है, तो सब इसी का तो वरदान है, इसी की देन है। साइंस हैज ऑल्सो इन्वेंटेड मेनी ठीक डिस्ट्रक्टिव थिंग्स, कह रहा है कि साइंस हैज आल्सो इन्वेंटेड मेनी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स, कि विज्ञान ने बहुत विनाशकारी
चीजों की भी खोज किया है। मतलब यही नहीं कि भाई सब अच्छी चीजें ही हैं, विज्ञान ने बहुत विनाशकारी मतलब बहुत सारी विनाशकारी वस्तुओं की भी खोज किया है, जैसे एटम बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स एंड जेट फाइटर्स और जेट फाइटर रैंस डेथ, ये सब आग बरसाते हैं, ये सब क्या है, आग बरसाने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों एटम बॉम्ब और जेट फाइटर, ये सभी के सभी क्या है, आग बरसाते हैं, ठीक है, नहीं जहां मार दो खत्म, ठीक। और दिस इज अ ग्रेट बोन, कह रहा है कि दिस इज अ ग्रेट बोन इन पीस, ये शांति में एक बहुत बड़ा वरदान है, एंड अ ग्रेट कर्स इन वार, लेकिन ये युद्ध में बहुत बड़ा क्या है, अविनाश है, मतलब क्या कहते हैं, विनाश है, अविनाश नहीं विनाश है, ठीक। ये भी शांति में तो बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन युद्ध में ये एक बहुत बड़ा विनाशकारी होता है, यानी अभिशाप है। आगे कह रहा है कि इट इज अ गुड सर्वेंट, यह एक अच्छा नौकर है, बट अ बैड मास्टर, लेकिन एक बुरा मास्टर भी है, ठीक, बुरा मालिक भी है। ये एक अच्छा क्या है, नौकर भी है तो एक बुरा मालिक भी है। भाई जाहिर सी बात है, हम एक बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिक यानी प्रकाश पूरा का पूरा हो जा रहा है कमरे में, भी हम वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी चल रहा है, सामने कैमरा ऑन है, ठीक, लाइट आसपास लगी हुई है, ये भी लाइट से ही चल रहा है, लेकिन क्या है, आप वहीं पर एक बटन दबा दो, लाइट गया, भाई एक बटन से पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाता है, वहीं एक झटका बिजली का मार दे तो आदमी का ही बत्ती गुल हो जाता है। तो ये दोनों तो है ना बच्चों, विज्ञान क्या है, एक वरदान है तो अभिशाप भी है, इसीलिए विज्ञान को दो धारी तलवार कहा जाता है। यानी अगर ढंग से खेलोगे तो अपने आप की रक्षा करोगे बढ़िया तरीके से, लेकिन अगर मनमौजी करते हो, अगर गलत सलत इसका प्रयोग करते हो तो यूं समझिए अपना ही शरीर काट बैठोगे। ये चीज होता है, क्योंकि भाई होता है ना कि जैसे आज के समय में मोटर वाहन सड़कों पर एक से एक नई गाड़ियां निकलती हैं, आदमी का सफर जहां का 4 घंटा था वहां पे अब 1 घंटे में ही सफर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, अब उसमें भी है कि भाई पता चले एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, तो आप सेकेंडों में मिनटों में पूरी दुनिया खत्म, पूरी दुनिया मतलब क्या कहते हैं, जिंदगी ही खत्म, तबाह हो जा रही है। तो ये चीज होता है कहीं ना कहीं, मतलब ये वरदान भी है और साथ साथ अभिशाप भी है, ठीक। तो भाई सही से खेलोगे, सही से पेश आओगे तो वरदान है, नहीं तो अभिशाप है। क्लियर हो गया, चलिए इसको जरूर एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जब भी समय मिले 2-4-10 मिनट के अंदर या 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद, फिर भी जब समय मिलेगा ना, एक फटाक से एक बार फिर से देख लेना। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं तो आगे लेटर को देख लेते हैं। भाई लेटर तो बहुत सारे लेटर भी करवाया है टीचर पर, इतने ज्यादा कि भाई उसके फ्री स्टूडेंटशिप के लिए भी करवाया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सब प्लेलिस्ट बनाया है बच्चों, जाकर एक बार फिर लास्ट टाइम देख लेना, प्लेलिस्ट में है इंग्लिश 2024, उसमें है भाई कंप्लेन लेटर में, चाहे वो हमने बताया ना फ्री स्टूडेंटशिप के लिए हो या फिर एनुअल कोई मतलब स्पोर्ट्स का भाई कोई अरेंजमेंट करना है, या फिर जैसे लाइब्रेरी में बुक्स के लिए वो भी करवाया है, और क्रिमिनल एक्टिविटीज और कंसर्न अगर हम बात करें तो जैसे गंदगी है उसके लिए कोई नगर निगम अधिकारी है उनको तो सबका सब करवाया है, ठीक है ना। बस आपकी भाई क्या तैयारी है, आपने कितना पढ़ा है वो अब मैटर करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे यही होता है। तो अब लेटर को भी आप बनाकर लिखिएगा, कुछ भी लेटर आ जाए आपको ये शिकायत नहीं करना है, ये रोना नहीं रोना है किसी से कि सर नहीं आया आपने जो पढ़ाया था, जरूरी नहीं भाई आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ये किसी से मत कहिएगा कि सर ये पढ़ाया हुआ नहीं आया, ये बताया था, ये सब बच्चों हमने बोला ना इंग्लिश में आधे से ज्यादा टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको खुद से करना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, यहां तक की पूरी इंग्लिश ही मतलब केवल समझने पर आधारित है, ना कि रट्टा मारने पर। कितना रट सकते हो, नहीं रट सकते हो ना, तो आप बस क्वेश्चन का मतलब समझ ले। तो हम यहां पर बता रहे हैं लेटर टू एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, जो नेशनल डेली यानी एक जो नेशनल डेली ये न्यूज़पेपर है उसके संपादक को हम लेटर लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं, कि जो हाई राइस वाटर टैक्स है, कि यानी वाटर टैक्स यानी पानी पर जो क्या है कि भाई जो टैक्स है उसमें वृद्धि हो गई है, कर में टैक्स पानी के कर पर वृद्धि है, तो उसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। कोई भी लेटर आ जाए सबसे पहला जो आपको काम करना है, दो देंगे अथवा में एक तो वैसे भी फाड़ कर चले आओगे, सबसे पहले आपको ऊपर क्या लिखना है बच्चों, तो ऊपर आपको यहां पर हमने बताया ना सेंडर एड्रेस लिख देना है, भेजने वाले का पता, जो भेजता है उसका पता लिखना है, यही करना है, क्योंकि ये 10 नंबर की बात है भाई, 10 नंबर अगर चले गए बच्चों तो बहुत ज्यादा दुख होगा, ठीक है। और ये आपको यहां से यहां तक गिराने में
बहुत ज्यादा है, 10 नंबर, 1 नंबर की बात नहीं हो रही है, 10 नंबर। ठीक, तो पहले आपको एड्रेस किसका, भेजने वाले का। जैसे आप भेज रहे हो तो अपना पता लिखिएगा यहाँ पर, आप कुछ भी इसे गली नंबर, मोहल्ला नंबर, कुछ भी नंबर लिख दीजिए कि भाई यहाँ पे हमने लिख दिया कि 12x4 लिख दिया है, उसके बाद द्वारिका कॉलोनी प्रयागराज, आप सुंदरवन कॉलोनी या सुंदर विहार या कुछ भी लिख दीजिए, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट वगैरह। आपको फिर करना क्या बच्चों, आपको एक लाइन खाली छोड़ना है, एक लाइन यहां ब्लैंक लाइन छोड़ देना, यानी एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है डेट। डेट मेंशन ऐसे करना है जैसे 12 मार्च या 12 फरवरी कुछ भी लिखना है, मतलब यहां पे ऐसे पे हमने लिख दिया है इतना, और यहां पर भाई 2024 सीधा सीधा ऐसे ना लिख दीजिएगा, बस 20 लिखने के बाद एक्सेस लिख देना। फिर आप करेंगे क्या, फिर एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ेंगे, यानी फिर एक लाइन छोड़ देंगे बच्चों, फिर नीचे लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। इसमें क्या है, रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, यानी जो आपके लेटर को रिसीव कर रहा है, कौन करेगा भाई, जो भी करेगा, जिसके लिए वो तो क्वेश्चन में ही दे देगा, तो यहां पर कौन रिसीव कर रहा है, तो द एडिटर ऑफ नेशनल डेली प्रयागराज, यानी जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर का के एडिटर हैं उनको लिखना है। और फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप बनाएंगे हेडिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे भाई, आपका मेन पर्पस क्या है, लेटर किसको लिख रहे हैं, लेटर किसको लिख रहे हैं भाई, तो वो आपको यहां लिखना है, किसको लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, गर्लफ्रेंड को लिख रहे हैं, अरे नहीं बच्चों बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, यहां पर हम लिख रहे हैं किसके लिए, तो कंसर्न ओवर हाई राइज, मतलब टैक्स, देखिए इन वाटर टैक्स, यानी जो वाटर टैक्स है, कंसर्न का मतलब ही होता है चिंता, तो कंसर्न का मतलब ये जो हाई राइज वाटर टैक्स है, यानी वाटर पर जो टैक्स है वो बहुत हाई है, उसी के बारे में चिंता आप व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, यही हमारा विषय है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि मेरी लड़ाई झगड़ा हो गई वो विषय लिखें, नहीं ये सब नहीं लिखना है, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप यहां पर इसके नीचे आप लिखेंगे यहां सर, ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे सर। अब यहाँ पे सर या मैडम कुछ भी हो सकता है, आप जो लिखना चाहेंगे लिख देंगे, गर्ल्स हैं मैडम लिख दीजिएगा, बॉयज हैं सर लिख दीजिए, या फिर कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बॉयज वाले मैडम भी लिख सकते हैं या फिर गर्ल्स वाले, ठीक, गर्ल्स जो है वो भी सर लिख सकते हैं, तो इससे मैटर नहीं करता, आप कुछ भी लिख दो सब चलेगा बच्चों, सब का सब चलेगा। अब उसके बाद लिखने के बाद आप जस्ट इसके नीचे, यहां पर हम नहीं लिखना है, ये हमने पहले भी आपको बताया है, ये इसके जस्ट नीचे से नहीं लिखना है, बल्कि करना क्या है बच्चों, यहां कॉमा करने के बाद यहां से शुरू करना है। चलिए देखते हैं कितना सरल तरीके से लिखा है बच्चों, कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ द्वारिका कॉलोनी प्रयागराज, कि मैं प्रयागराज, मतलब मैं द्वारिका कॉलोनी प्रयागराज का निवासी हूं, और आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो अवर कंसर्न, कह रहा है कि मैं आपको ये पत्र, मतलब चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, अबाउट हाई राइज ऑफ वाटर टैक्स, यानी वाटर टैक्स में तीव्र कर वृद्धि के, ठीक है, संबंध में कह रहा है कि मैं जो वाटर टैक्स है उसमें जो वृद्धि है उसके बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए आपको ये लेटर लिख रहा हूं। आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, टू ब्रिंग, खींचना, नगर निगम कमिश्नर, कह रहा है कि मैं नगर निगम कमिश्नर का जो काइंड अटेंशन, मतलब उनका ध्यान खींचना चाहूंगा, टुवार्ड, माने की तरफ, हाई राइज इन वाटर टैक्स दिस ईयर, यानी इस वर्ष वाटर टैक्स पर हाई राइज के लिए, ठीक, कह रहा है कि मैं ये, मतलब मैं कह रहा है कि नगर निगम कमिश्नर का ध्यान इस वर्ष पानी पर तीव्र वृद्धि कर पर खींचना चाहूंगा, ठीक है, मतलब मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि इस बार क्या है, पानी पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए आपका लेटर है जो तीन फॉर्मेट में, नहीं तीन पार्ट में लिखना है, आप लिखेंगे उसके बाद, जैसे यहां से लिख दिया, अब दूसरा पार्ट एक नई लाइन से स्टार्ट करेंगे, भाई पहला पार्ट ये हो गया, अब दूसरा पार्ट आपको ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, तो ऐसे निपटाना है, ठीक। यहां से कुछ लिखने के बाद आप जो भी थोड़ा लिखेंगे नया वो स्टार्ट करेंगे यहां से, मतलब दूसरे से, एकदम नई लाइन से, ठीक, ये पार्ट अलग हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, लिखेंगे कि दिस इज एन इश्यूड ऑफ, कह रहा है कि कॉमन मैन्स प्रॉब्लम, कह रहा है कि ये जो आम नागरिक हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, दिस इज एन इश्यू ऑफ कॉमन मैन प्रॉब्लम, कह रहा है कि ये आम नागरिक की एक बहुत बड़ी समस्या है, कि द राइज इन वाटर टैक्स इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, कह रहा है कि द राइज इन वाटर टैक्स, यानी जो पानी के कर में ये जो महंगाई है, ये जो वृद्धि है, ठीक,
ये कह रहा है कि इस बियॉन्ड मतलब परे है या दूर है, इमेजिनेशन मतलब कल्पना से भी। ये जो पानी में मतलब पानी में इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है, ये हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा दूर है। फिर उसके बाद आप नए फॉर्मेट से लिखेंगे कि भाई लिखेंगे कि द गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली कम अप विथ, कह रहा है कि वेरियस पॉलिटीज मतलब कहां गया भाई, मतलब पॉलिसीज टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द पब्लिक। देखिए क्या बोल रहा है कि द गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली कम अप, यानी सरकार निश्चित रूप से लेकर आई है विथ अप वेरियस पॉलिसीज, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की मतलब पॉलिसीज, ठीक है, यानी जो योजनाएं होती हैं, ठीक, टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ वाटर, कह रहा है कि पानी की सप्लाई को लेकर के, फॉर द पब्लिक यानी पब्लिक के लिए। भाई इसमें कह रहा है कि हालांकि जो सरकार है वो आम नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए पानी सप्लाई के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की क्या है योजनाएं निश्चित रूप से लेकर के आई है, बट कह रहा है कि द राइज इन वाटर टैक्स, लेकिन ये जो पानी पर टैक्स है इज टू हाई, ये बहुत ज्यादा है टू बियर फॉर द पब्लिक, यानी पब्लिक के लिए सहन करना, लेकिन पब्लिक को मतलब कह रहा है लेकिन पब्लिक के लिए पानी पर इतना अधिक टैक्स झेलना वो बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, मतलब बहुत ही ज्यादा है यानी हाई है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि बच्चों आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज पेपर, कि मैं चाहता हूं आप इस न्यूज को अपने न्यूज पेपर में क्या करें, उजागर कर दें, ठीक, मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या को अपने न्यूज पेपर में उजागर करें, सो दैट ताकि गवर्नमेंट कुड टेक कैरा नेसेसरी एक्शन, ताकि सरकार क्या है कोई आवश्यक, ठीक, मतलब कोई आवश्यक क्या है भाई, कदम उठाए टू रिड्यूस द टैक्स, यानी टैक्स को कम करने के लिए। भाई मैं चाहता हूं कि आप मेरी समस्या को अपने न्यूज़पेपर में क्या करें, छाप दें, ताकि सरकार क्या करे भाई इस टैक्स को कम करने के लिए कोई तत्काल यानी कोई आवश्यक कदम उठाए। आई होप, मुझे आशा है या मुझे आशा है दैट द अथॉरिटीज वुड टेक प्रॉपर एक्शन इन दिस मैटर, मुझे आशा है कि जो अथॉरिटीज हैं या फिर जो कह रहे मतलब हम कह लें कि भाई ये जो कमिश्नर हैं नगर निगम कमिश्नर, जल्द ही क्या होंगे भाई इस पर कोई प्रॉपर एक्शन लेंगे, दिस मैटर मतलब इस मामले में, ठीक, मैं मुझे आशा है कि जल्द ही क्या है अथॉरिटीज क्या है इस पर कोई प्रॉपर एक्शन लेंगे। तो इस तरीके से जब भी कोई मैटर आ जाए, कुछ भी रहे बच्चों, अगर एडिटर के लिए आ जाता है, अगर न्यूज़पेपर के एडिटर को आ जाता है, तो फॉर्मेट सेम होगा, बस मतलब मैटर चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा, यहां तक तो कोई चेंजिंग वैसे भी नहीं करना होगा, बस आपको सब्जेक्ट में थोड़ा चेंजिंग करना होगा, जो कुछ रहेगा पूरा इसको वह लिखना है, यहां पर पूरा ऐसे लिख देना है कि भाई मैं यहां का निवासी हूं, मैं इनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, इसमें भी बना बनाकर वही थोड़ा लिखना है। फिर उसके बाद फिर जो भी अन्य प्रॉब्लम है भाई, यहां पर यह है, मान लेते हैं सफाई के लिए है, तो आप सफाई का लिख देना कि लोग क्या है गलियों में कूड़ा करकट जो है फेंक देते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं, कुत्ते बिल्ली या फिर जो गाय हैं पशु हैं वो सब खा रहे हैं इसको, मर रहे हैं, और कोई कर्मचारी पिछले कई दिनों से यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लें और साफ सफाई करवाएं। तो ये बनाकर अपने से लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप ऐसे ढूंढोगे कि भाई एक दो में काम हो जाए तो कभी नहीं होगा बच्चों, हम नहीं चाहते कि आपके साथ भाई नाइंसाफी हो, तो आप अपने से बना कर लिखने का प्रयास करना रसगुल्लो, ये काम करना है आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर लिख देंगे योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, आप यहां पर एक्स वाई जेड कोई भी नाम लिख दीजिएगा, क्लियर। तो ये आपको लिखना है इस तरीके से, समझ में आया बच्चों कि इस तरीके से लिखना है। तो ये पिछले साल नहीं पूछा गया, लेकिन 2000 अगर हम बात करें 22 में आया था, इंपोर्टेंट काफी है, ठीक, हो सकता है बच्चों किसी में पूछ लिया जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि किस तरीके से लिखना है। अगला देखते हैं, अब आएगा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी है ना, यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सेक्शन होता है, क्योंकि भाई लेटर आर्टिकल अनसीन पैसेज तो बच्चे कर ही लेते हैं कैसे भी करके, लेकिन ये जो होता है सेक्शन सी, यानी ये पूरा का पूरा जो ये ग्रामर वाला पोर्शन होता है, ये बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि इसमें से आएगा 25 नंबर का क्वेश्चन। यहां से बच्चों आपके कितना है 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनमें कुछ नहीं करना है, बस
आपको ये सेकेंडों में इसमें नंबर मिलते हैं, फटाक से करते करते चले जाओ और एक एक क्वेश्चन का दो दो नंबर मिलता चला जाता है। ठीक, जिसमें सबसे पहले रहेगा साइनानिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद इसमें इरर वाला एक रहेगा, और साथ ही साथ इसमें जैसे रहेगा आपका उसको क्या बोलते हैं भाई आइडम फ्रेज, तो ये आपका पांच करके ऐसे देगा। फिर पांच और रहेगा, उसमें सिंटैक्स रहेगा, सिंथेसिस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, नरेशन रहेगा, होमोफोन्स रहेगा, ये पांच हो जाएंगे। तो उनके दो दो नंबर, यानी इस तरह से 20 नंबर इनके और पांच नंबर का एक आपका पूछा जाता है इसमें क्या कहते हैं अनुवाद वाला। ठीक है, तो ये जो सेक्शन होता है ये बेहद लाजवाब, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है। अब इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपका अगर वर्ड पावर मजबूत है तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते हो बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपको अपने ऊपर ही निर्भर रहकर करना। हालांकि इसमें ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि भाई क्या होने वाला है। जैसे बच्चों कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनमें के जितने विकल्प हैं उनमें से कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव करिएगा। जैसे दिया है कि द साइनानिम आर्ट ग्रेट, कह रहा है कि साइनानिम का मतलब जो ये ग्रेट शब्द है, ये जो ग्रेट वर्ड है इसका साइनानिम क्या होगा। अब पता चले बच्चों को ये भी नहीं पता कि साइनानिम का मतलब क्या होता है, तो वो टीचर पर दोष निकालेंगे कि आपने तो बताया ही नहीं था। तो इतना तो भाई पता ही होगा, आप ट्वेल्थ के छात्र हैं, तो साइनानिम का मतलब पूछ रहा है समानार्थी, तो ग्रेट का मतलब क्या है। अब ग्रेट का भी अर्थ नहीं पता है तो आप क्या करोगे, कर सकते हो नहीं कर सकते हो ना। इसलिए ये तो भाई आपको भाई अगर तैयार होगा तो बढ़िया है। ठीक, बाकी छोड़ना हो तो वैसे भी नहीं है, नंबर कटेंगे नहीं बच्चों। आपको डाउट होता है भाई तो मार दीजिए इधर उधर, ठीक है ना, लेकिन पहले कोशिश करिएगा कि सही सही करें आप। ठीक, जब छूट रहा है लगेगा कि छूट जाएगा तो मारो, तुक्का मारो, राम का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, आप जो भी हो अल्लाह का नाम लेकर के, भाई आप कुछ भी हो, है ना, है ना। तो ठीक, तो ये चीज करिएगा। तो द साइनानिम ऑफ ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है बच्चों अभिवादन, ग्रेट का मतलब होता है अभिवादन। ठीक, अभिवादन का मतलब किसी का वेलकम करना, स्वागत करना। ठीक, तो आपका ऑप्शन है कि भाई वेलकम, हॉस्टिल मतलब कह रहा है कि अनसोशियल, या फिर एलूफ। तो वेलकम का मतलब क्या होता है, स्वागत, सुस्वागतम। ये हॉस्टिल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भाई शत्रुता। ठीक, शत्रुता होता है। अब उसके बाद अनसोशियल का मतलब असामाजिक होता है, असामाजिक होता है। ठीक, अब उसके बाद ये जो है एलूफ का मतलब अलग होता है। अब पता चले भाई आप खुद से बताइएगा कि आपको कितने का मीनिंग पता था, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइए कि किसके मतलब पता था, क्या हॉस्टल के मतलब पता था, एलूफ के मतलब पता था, या फिर गेट के मतलब पता था। अगर पता है तब तो आप भाई एकदम फोड़ कराओगे 100%, क्योंकि ये आसान देता है, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो भाई कह रहा है कि इसका साइनानिम पूछा था, तो ग्रेट का क्या हो जाए, ग्रेट का मतलब अभिवादन करना, स्वागत करना, तो भाई वेलकम हो जाएगा, वेलकम का मतलब स्वागत करना। तो इस तरीके से, और प्रत्येक के दो दो नंबर होगा, समझो बस इसका मिल गया दो नंबर, कितना आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि द एंटोनिम ऑफ फ्रेश, कि भाई एंटोनिम, अब एंटोनिम का मतलब विलोम, कि फ्रेश का विलोम क्या होगा, फ्रेश का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अप्रूव, अप्रूव का मतलब स्वीकृति। ठीक, अप्रूव का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, स्वीकृति। ठीक, स्वीकृति का मतलब यानी स्वीकारना। ठीक, या फिर स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, स्टेल का मतलब बासी होता है। अपोजिशन का मतलब होता है विरोधी, अपोजिशन का मतलब विरोधी। कर्ष का मतलब होता है कोशना, कोशना या फिर ठीक मतलब अभिशाप देना, अभिशाप। ठीक, अभिशाप देना। तो यहां पर भाई इसका विकल्प कौन सा होगा, अब तो बताइएगा बबुआ कौन सा होगा। एंटोनिम पूछा है विलोम, फ्रेश का मतलब, फ्रेश का मतलब, फ्रेश का मतलब बच्चों ताजा, ताजा का क्या हो जाएगा, बासी ही तो होगा बबुआ, क्या होगा, बासी हो जाएगा। तो इस तरीके से, अब इसमें भी आपका दो नंबर का मिल जाएगा, तो ये भी दो नंबर। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
सेम पूरा हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन पेपर, परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन हु रिमेंस अनमैरिड, इसको करवाया था बहुत पहले भी याद हो, कि ए मैन हु रिमेंस अनमैरिड, कि भाई हु रिमेंस अनमैरिड यानी जिसकी शादी ही ना हुई हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, जिसकी शादी ना हुई हो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है लवर, या फिर कह रहा है कि बैंकरप्ट, या फिर बैचलर, या फिर स्पिंस्टर। देखिए लवर का मतलब होता है प्रेमी, प्रेमी पागल दीवाना, है ना। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया, ये भी वही पागल से संबंधित है, दिवालिया, दिवालिया का मतलब पागल, मानसिक रूप से मतलब अस्वस्थ होना। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, एक कुंवारा बच गया, मतलब क्या कहते हैं, बच नहीं फंस गया बेचारा, है ना, कुंवारा, कुंवारा ऐसे होता है कि कुंवारा होता है, कुंवारा होता है ना, क्या भाई कुंवारा, ठीक। और स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी, कुंवारी क्या होता है, कुंवारी। अगर यहां पर गर्ल्स होता तो कुंवारी हो जाता, कि भाई जिसकी शादी ना हुई हो उस लड़की को क्या बोलते हैं, कुंवारी बोलते हैं। बट यहां पर कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो तो उसको क्या कहेंगे, बैचलर कहेंगे, कुंवारा, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, कुंवारा। जैसे हम भी क्या है, बैचलर हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जी शादी हो गई क्या, अरे पागल हो, शादी इतनी जल्दी भी क्या है, ठीक है ना, मतलब नहीं चाहते हो मैं ऐसे थोड़ा और कुछ दिन खुशी खुशी रहूंगा, तुम लोग नहीं चाहते हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किथ एंड किन मीन्स, इसका मतलब क्या है बबुआ, इसका मतलब क्या है रसगुल्लो, इसका कह रहा है कि किथ एंड किन मीन्स, इसका क्या मतलब है, किथ एंड किन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। किथ एंड किन का अर्थ होता है, ये आपका एडम फ्रेज जो होता है उसमें से है, तो बर्थ कह रहा है पेरेंट्स, ऑप्शन है फेक फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड्स, या फिर रिलेटिव्स। देखिए किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधी, क्या होता है बच्चों, सगे संबंधी। तो सगे संबंधी का भाई क्या क्या हो जाएगा, बर्थ पेरेंट्स मतलब जन्म देने वाले माता पिता होगा नहीं, फेक फ्रेंड्स मतलब क्या है, फेक नकली दोस्त होगा नहीं, फ्रेंड्स मतलब दोस्त होगा नहीं, सगे संबंधी रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार, बोले तो सगे संबंधी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका साइनानिम, एंटानिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडम फ्रेज, ये हो जाएगा, ठीक है, सब दो दो नंबर के आएंगे, याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा पांच में, ये मतलब इसमें थोड़ा का इरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसे एक दिया है इज ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, इसको भी करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों, ठीक। कह रहा है कि इज ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, क्या वह चॉकलेट पसंद नहीं करता है, मतलब ये ऐसा कुछ मतलब अर्थ दिया, बट ये कह रहा है कि इसमें गलती कहां पर है, विच वर्ड या पार्ट इन द सेंटेंस इज एन एरर, एरर कहां पर है आपको बताना है, क्या डज नॉट में है, या फिर ही में है, या फिर लाइक में, या फिर इसमें। देखो बच्चों ही डज नॉट लाइक ये पूरा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, अगर ये पूरा होता है तो एकदम करेक्ट है, तो इसको तो होना ही नहीं चाहिए, गलत है, तो इज में क्या है, त्रुटि है, ठीक। गलती कहां है, इसमें है, यानी इसमें से इज लगेगा ही नहीं, इज अकेले हटाना है, ये हो जाएगा आपका, ये भी दो नंबर का। अब यहां से जो आपका क्वेश्चन नंबर दो होगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर जो दो होगा, किसमें का क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो की बात कर रहे हैं, तो ये आपका सेक्शन सी वाला, वैसे में देखे बच्चों तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा पड़ेगा भाई, कौन सा पड़ेगा, इसके पहले कौन सा था, एक मिनट, इसके पहले भाई कौन सा था, क्वेश्चन नंबर चार था, तो यहां पर हमने दो लिख दिया, अच्छा इसमें का चार का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर चार, ये पांच होना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर पांच होगा, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर पांच होगा, ये हमने क्या लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर पांच, ठीक है, एक मिनट, यहां पर ये क्वेश्चन नंबर पांच आपका रहेगा, ये दूसरा नहीं रहेगा, ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर पांच। अब क्वेश्चन नंबर पांच में पहला, इसमें भी समझिए, इसमें भी समझिएगा ध्यान से, इसमें आपका आपका क्या आएगा, नरेशन आएगा, सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सेंटेक्स आएगा, और होमोफोन, पांच इसमें भी, और पांच दुना दस, दस नंबर के, प्रत्येक को बोलेगा बच्चों चेंज एनी वन, ये गलती मत करना, इसको अच्छे से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना बच्चों, कि कोई एक क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, और भाई आपको इसके मिल गए दो नंबर। तो भाई ये क्या है, आपको मतलब दो दिया रहेगा, और आसान होता है,
आसान, एकदम आसान होता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट दो में तो वही एक कर ही लेगा। जैसे दिया है कि बालास मदर सेड टू हिम, बाला की माँ ने, बाला कोई लड़का है तो बाला की माँ ने उससे कहा विल यू लॉक द डोर, कि मतलब तुम, मतलब क्या तुम डोर को लॉक करोगे। अब देखो यहां पर क्या है बच्चों, पीछे देखिएगा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है और सबसे पीछे आएंगे तो क्वेश्चन मार्क है। तो भाई पीछे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में अगर भाई, इंट्रोगेटिव में अगर यहां पर शुरुआत डब्ल्यू एच से हो जाती है, व्हाट व्हेन वेयर इन सब से हो जाती है, ये W मत देखना कि will है, नहीं नहीं WH का मतलब उस तरफ से what when where ये वाले, तो अपने को करना ये होता है कि said या said to को जो conjunction होता है वो वही WH वाला शब्द ही बन जाता है। बट अगर helping verb से शुरुआत हो, यानी यहाँ पे verb की first form से शुरुआत हो, या helping मतलब verb की कह रहा हूं first form, मतलब यहाँ पे कुछ भी was where ये कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक, इज एम आर हो सकता है, अगर यहाँ पे डू या डस से हो सकता है, इससे शुरुआत होता है तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ये आपको भी पता होगा। तो हम करेंगे क्या बच्चों, ऐसे केसेस में सेड या सेड टू को आस्कड में बदलेंगे, कब, जब ये इंट्रोगेटिव में रहेगा। तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बालास मदर, बाला की मां ने कहा, ठीक है, सेड या सेड टू को आस्कड में लिखते हैं, आस्कड, ठीक, आस्कड हिम, इफ लगेगा, है ना, इफ क्यों लगेगा, हमने बता दिया कि यहां पर आपका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रहा है तो आप हमेशा इफ या वेदर लगाएंगे। अगर यहां पर वाई वेन वेयर से शुरू होगा तब यहां पर वही वाई वेन वेयर ही कंजक्शन बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इफ लिख दिया, भाई किसको बोल रहा है, कह रहा है कि बाला ने अपने बेट, मतलब बाला ने कह रहा, सॉरी, बाला की मां ने कह रहा है कि उससे कहा, किससे, यानी बाला से कह रही है, या फिर कोई और भी हो सकता है, क्योंकि ही सी इट जो होता है वो वैसे भी थर्ड पर्सन होता है। तो यहां पर कह रहा है कि क्या तुम दरवाजा बंद करोगे, तो भाई किसको, क्या तुम दरवाजा बंद कर, उसे कहा, उसे का मतलब पता नहीं, तो यहां पर हम ऐसी सिचुएशन में ही लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे ही, अगर हर होता तो सी लगा देते, वो तो पता ही चल जाएगा। इफ ही, अब विल, या भाई विल को वुड में बदलेंगे, ही वुड लॉक द डोर, ही वुड लॉक द डोर, बस सिंपल सा हो गया बच्चों, पूरा का पूरा फिनिश, अब क्वेश्चन मार्क वगैरह गायब, ठीक है, हो गया। अगला है कि द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, टीचर ने कहा तुम सस्पेंड हो गए, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द टीचर। अब क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा एक चीज, अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती ऐसे करते हैं, जो भी दिया ऐसे, भाई वार वाज है, मतलब यहां पे इज एम आर है तो वाज वेयर में फटाक से बदलेंगे, बट एक चीज ध्यान देना, वो तो ठीक है लेकिन यहां पर भी देख लेना क्या है, तो यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, विस्मय सूचक चिन्ह है। तो ऐसे केसेज में जब भी आपका ऐसा दिख जाए तो आप हमेशा सेड या सेड टू को एक्सक्लेंड में चेंज करेंगे। यहां पर जब भी मतलब इस तरह का मार्क दिखे तो आप लिखेंगे क्या, एक्सक्लेम्ड, ठीक, एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कुछ मत लिखिएगा, कोई भी हो, यहां पर चाहे जॉय का भाई मतलब चाहे खुशी का माहौल हो, चाहे दुख का माहौल हो, चाहे हल्ला गुल्ला का माहौल हो, ऑल टाइम अपने माइंड में रखना सेड या सेड टू को बच्चों एक्सक्लेम्ड में ही लिखना है अगर आएगा, ठीक है। तो टीचर एक्सक्लेम्ड, कंजक्शन दैट लग जाता है, दैट, अब भाई यू आर सस्पेंडेड तो भाई किसको कह रहा है, तुम सस्पेंड हो गए हो, भाई ये चीज कह रहा है कि टीचर ने कहा, तो भाई ये किसके लिए, तुम सस्पेंड मतलब किसी और की बात कर रहा है, तो लिखेंगे कि दैट ही वाज, ठीक, ही वाज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड, क्योंकि देखिए भाई इसमें कहा कि टीचर ने कहा तुम सस्पेंड हो गए, और ये बात मैं आपको बताऊंगा, तो यही कहूंगा ना कि टीचर ने कहा कि वो सस्पेंड हो गया है, तो भाई वो हम आपको बता रहे हैं, तो हम अब ये बात पुरानी हो चुकी है इसीलिए यहां पर वाज वेयर ये सब लगते हैं, यानी बात पास्ट की अब हो चुकी है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या है, कोई एक करना, भाई हम तो दोनों करके बता दे रहे हैं बच्चों, वहां पर एक करना है, ध्यान से समझिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, नहीं भाई गलती में भूल कर दोनों कर देना तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप सोचोगे कि भाई क्या नंबर कटेंगे, बिल्कुल कट जाएगा बच्चों, जितना कहा जाएगा उतना ही करिए ना, अपने मन का करेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा भाई लड़के ने चीटिंग किया है, ये भी क्वेश्चन बच्चों दो नंबर का आएगा, इसमें भी बोलेगा कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब एज डायरेक्टेड,
कि भाई जो कुछ भी कोष्टक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करिए। जैसे पहला है कि ही मतलब हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव, यानी नफरत नफरत को पैदा करती है और प्रेम प्रेम को पैदा करता है। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों अगर किसी को नफरत दोगे तो वो भी तुमसे नफरत करेगा और किसी को तुम प्यार दोगे ना वो भी तुमको प्यार देगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों कह रहा है कि इसको कंपाउंड में, और कंपाउंड में लगता क्या है हमने बताया है, इसमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, हम लिखेंगे कि हेट बिगेट्स हेट, हेट बिगेट्स हेट, ठीक, एंड लगा करके पूरा मिला देंगे, एंड लव बिगेट्स लव, एंड लव बिगेट्स लव, बस हो गया भाई इसका, हो गया पूरा कि भाई नफरत नफरत को पैदा करती है, प्रेम प्रेम को पैदा करता है। ठीक, बस हो गया ये चीज, समझ में आ गया। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर वाज हंग्री और ही किल्ड ए गोट, कि जो शेर मतलब टाइगर था, ठीक, जो टाइगर है चीता है वो क्या है, भूखा, वो भूखा था, उसने एक बकरी को मारा। अब बनाना किसमें है, सिंपल में बनाना है, सिंपल में बनाना है तो करेंगे क्या बच्चों, हम लिखेंगे, देखो इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो यही कहेंगे ना, इसमें ये है कि शेर मतलब चीता भूखा था, जो टाइगर था वो भूखा था, उसने एक बकरी को मारा, तो आप यही कहेंगे ना कि एक भूखे चीते ने बकरी को मारा, ऐसे ही तो बनाएंगे। तो लिखेंगे बच्चों कि लिखेंगे द हंग्री टाइगर, द हंग्री, हाँ सही है, द हंग्री भाई, द हंग्री टाइगर, ठीक, किल्ड किल्ड ए गोट, बस हो गया कि भाई भूखे टाइगर ने एक बकरी को मारा, बस हो गया बच्चों। द हंग्री टाइगर किल्ड ए गोट, मतलब इसको आप दो या दो से तीन पार्ट में रहेगा, एक पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसमें भी से भाई इसमें भी कोई एक करना था आपको, हम आपको दोनों करके बता रहे हैं, बट आपको एग्जाम में कोई एक करना है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक, अगला कह रहा है बच्चों, जो अगला आएगा ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन से, ये साइंथेसिस से है, इसके ऊपर नरेशन था, अब है आपका मतलब ये सॉरी क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफार्म कह रहा है, ट्रांस फार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो जैसा कोष्टक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कोई एनी वन, कोई एक क्या करना है आपको, बदलकर उसी तरह से लिखना है। जैसे है पहला कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, कि जो कह रहा है कि लोहा है वो अन्य धातुओं की तुलना में अत्यधिक यूजफुल है, यानी उपयोगी है। इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे भाई कि नो अदर, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एज आता है, तो लिखेंगे इसको नो अदर, नो अदर मेटल इज एज एज यूजफुल, एज यूजफुल एज आयरन, बस हो गया बच्चों, यानी अन्य कोई धातु इतना उपयोगी नहीं है जितना कि आयरन। क्लियर हो गया, अर्थ तो वही निकला ना, क्योंकि भाई इसमें क्या होना चाहिए, भले आप इसका पूरा फॉर्म चेंज कर दें लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो कह रहा है कि भाई क्या है, जो आयरन है वो अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, तो इसका मतलब क्या है, अन्य कोई धातु इतना उपयोगी नहीं है जितना कि आयरन। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में हो गया। ठीक है, किसमें था ये, तो भाई मोर वगैरह कहां लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में, तो उसमें हमने इसको क्या पॉजिटिव में बना दिया। ठीक है, तो अगर इसे भाई सुपरलेटिव बोलता तो यहां पर यस या ईएसटी चलता है, यहां पर फिर हम लगा देंगे मोस्ट यूजफुल कर देते बस, कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, बस हो जाता, क्योंकि यहां पर जैसे यूजफुल आ जाए, वंडरफुल आ जाए, ब्यूटीफुल आ जाए, तो उसमें कंपैरेटिव में मोर लगता है, सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है, बस। ठीक है, अब अगला है कि हु लव्स यू, इसको पॉज मतलब इसको पैसिव वाइस में बनाना है, क्वेश्चन मार्क यहां पर है। ठीक है, हु लव्स यू, तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बाई होम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यू आर लव्ड, यू आर लव्ड बाई होम, बस सीधी सी बात, एकदम सिंपल सा कि यू आर लव्ड बाई होम, या बाई होम आगे भी लिख करके हम बाई होम से भी बना सकते थे। ठीक, बाई होम आर यू लव्ड, बस ऐसे भी कर सकते थे, तो इसको मतलब हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो समझ में आ गया, तो इसमें बच्चों आपका एक रहेगा डिग्री से रिलेटेड, दूसरा आपका एक्टिव पैसिव वॉइस या रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो इसमें भी कोई एक करना होगा, तो इसका भी दो नंबर, इसमें भी कोई एक करना था दो नंबर, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो किसमें का आएगा, वो होगा बच्चों मतलब करेक्ट करना होगा, करेक्ट एनी वन, इसमें भी कोई एक करेक्ट करना है और आपको दो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्डियर्स आर रेडी टू मार्च, कह रहा है कि कैप्टन और साथ ही साथ उसके सिपाही क्या है, मार्च यानी जो परेड होता है ना, परेड करने के लिए क्या है, वो तैयार है। तो इसमें गलती कहां है, इसको करेक्ट करना है। गलती आपको कहां दिख रही है बच्चों, द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्डियर्स, देखिए आपको परेशान करने के लिए देगा, हिज सोल्डियर्स देगा, आप देखोगे कि यस लगा है तो आप सही है, बट बिल्कुल गलत होगा, ये इसके अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग जब लगेगा तो उस हिसाब से यहां पर आर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द कैप्टन, ये क्या हो जाएगा बच्चों, द कैप्टन एज वेल एज As well as his soldiers, as well as his soldiers, यहां पर is हो जाएगा, is ready to march, ठीक, is ready to march, बस ये हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी त्रुटियां रहेंगी, गलती आपको is a mar was bear इसी में रहेगा या अदर कुछ हो सकता है। जैसे दूसरा I avoid to go there, इसमें गलती कहां है, तो I avoid to go there यहां पर गलती है, तो ये हो जाएगा आई अवॉइड ठीक गोइंग देयर हो जाएगा, आई अवॉइड गोइंग देयर, तो ऐसे मतलब आपको इसमें त्रुटि कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें हमने बताया ना कैटल्स वाला बहुत पूछा जाता है, कैटल्स वाला, जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या फिजिक्स बोल देगा फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऐसा तो उसमें आर नहीं इज लगेगा, कैटल्स है तो कैटल्स नहीं कैटल होता है, ठीक, तो ये चीज समझिएगा। तो ऐसा भी पूछा जाता है आपका, बहुत सब करवा भी चुके हैं पहले। अब उसके बाद ये जो होगा अगला, ये वाला जो होगा होमोफोन्स, ये जो होगा होमोफोन्स, तो ये भी दो नंबर का पूछा जाएगा। बोलेगा भाई यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर, कह रहा है कि भाई ये जो दो दिए गए हैं इनमें से किसी एक जोड़े के दोनों के अलग अलग अर्थ लिख करके एक सेंटेंस बनाइए। तो बच्चों जैसे दो देगा एक करना है, जैसे चेक, इस वाले चेक का मतलब होता है जांचना, क्या होता है बच्चों, तो ये होता है जांचना, समझ, एक मिनट, क्या होगा बच्चों, जांचना, चेक का मतलब क्या है, जांचना, और इस वाले चेक का मतलब होता है चेक। अब चेक का मतलब यहां पे बैंक का चेक वाली जो बात कर रहा है, ठीक, जो बैंक का चेक होता है ना वो, उसके बारे में। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि भाई जैसे डॉक्टर चेक्ड मी, डॉक्टर ने मुझे चेक किया, जैसे उसके बाद बैंक गिव्स, जैसे अस बैंक गिव्स अस चेक, की बैंक हमें चेक देता है, तो कोई भी एक सेंटेंस ऐसे बना लीजिए बस। अब उसके बाद जैसे वीक, ये वाला जो वीक है वो है सप्ताह, क्या है, सप्ताह, ठीक, क्या है बच्चों, ये वाला वीक सप्ताह, और इस वाले वीक का मतलब कमजोर। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि भाई आई एम गोइंग टू विजिट नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक क्या है, मैं घूमने जा रहा हूं। अब उसके बाद यहां पर कमजोर की ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो ऐसे कोई सेंटेंस आप मतलब लिख करके, भाई यही नहीं कि केवल आप ऐसे लिख देंगे, पूरा हमने जैसे बताया कि सेंटेंस भाई वीक है तो आप लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू विजिट नेक्स्ट वीक, कि मैं नेक्स्ट वीक घूमने जा रहा हूं, ऐसे आप बनाएंगे, ठीक। तो एक सेंटेंस बना करके लिखना होता है दोनों जोड़े में से कोई एक जोड़े का। क्लियर हो गया, समझ में आया बच्चों? चलिए एक मिनट भाई पानी पी लें, बहुत ज्यादा गला सूख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर छह, क्वेश्चन नंबर जो छह होगा ये आपका क्या होगा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये आपका इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा, और ये पूरे के पूरे अगर हम बात करें बच्चों ये पूछा जाएगा पांच नंबर में, पांच नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये आपको स्वयं से करना होगा, इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं करेगा बच्चों, आपके सामने इस तरह से कोई ना कोई दे देगा, कुछ भी दे दे भाई, अगर आपको टेंस के बारे में नॉलेज है, मीनिंग पता है, तभी कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, चाहे जितना हाथ पांव मारो कुछ भी नहीं कर सकते ना, और कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता। जैसे दिया है भैया कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता,
बीता समय कभी वापस लौटकर नहीं आता। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, इसलिए समय के साथ सदैव चलना लाभदायक होता है और छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। ये 2023 का आया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका देगा, आप देख रहे हैं जिस तरह से है, तो भाई आपको खुद से भाई बनाना पड़ेगा। भाई जैसे लिख सकते हैं भाई कर्ता क्या है, तो यहां पर कर्ता समय बन गया है। तो हम लिखेंगे बच्चों जैसे कि भाई टाइम इज द बिगेस्ट इनेमी ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का। भाई तो अपने से बना लिया ना, आपको पता ही नहीं किसके मतलब शत्रु है तो क्या बनाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों। तो टाइम इज द बिगेस्ट इनेमी ऑफ, कह रहा है कि ह्यूमन कि जो समय है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य। तो लिखेंगे ए पर्सन या ए मैन, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हु, जो कह रहा है कि इसका पालन नहीं करता है, हु, ठीक, हु डज नॉट, वही हु डज नॉट फॉलो, हु डज नॉट फॉलो, कह रहा है कि इसका पालन, देखिए कह रहा है ना कि भाई इसका पालन ना करने वाला मनुष्य, तो ए पर्सन यानी ऐसा व्यक्ति, हु डज नॉट फॉलो इट, जो इसका पालन नहीं करता है, वो कह रहा है कि कभी सफल नहीं होता। तो कॉमा करके लिखेंगे कि विल नेवर बी सक्सेसफुल, तो भाई वो क्या होगा, वो कभी भी क्या है, सफल नहीं होता है। तो बस हो गया, वो कभी सफल नहीं होता। फिर आगे है कि बीता समय कह रहा कभी लौट कर नहीं आता, तो लिखेंगे बच्चों, ठीक, टाइम स्पेंट यानी बीता समय, टाइम स्पेंट कह रहा है कि टाइम स्पेंट डज नॉट बैक, ठीक। बस हो गया कि टाइम स्पेंट डज नॉट बैक, जो बीता समय वापस नहीं आता है। तो इस तरीके से आप आगे भी आप देख सकते हैं कि कहा जाता है, इट इज सेड लिख देंगे, कहा जाता है कि नदी की लहर, ठीक, भाई वेव ऑफ रिवर यानी जो नदी की वेव है, तरंगे हैं, फिर उसके बाद और समय की गति, द मोशन ऑफ टाइम, ऐसे लिखेंगे ना, पता चले आपको पता ही नहीं है कि किसके मतलब भाई यहां पर लहर होता है, किसके मतलब गति होता है, किसके मतलब इंतजार करना या प्रतीक्षा करना, तो कैसे बनाओगे बच्चों। ये सिर्फ आपको करना है, आप अच्छे से बना बना कर भाई ये ध्यान देना, बस इसमें एक जो रूल चलता है, बस वो रूल आपके माइंड में होना चाहिए। बस जो इसमें रूल होता है कि भाई इस पहले सब्जेक्ट होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो है, ठीक है, नहीं तो बच्चों आपका इसमें फिर क्या रहेगा, आपका मेन वर्ब रहेगा, ठीक, मेन वर्ब आप लिखना है प्लस उसके बाद, ठीक, यानी हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो आपका क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। हमने बताया कि मेन वर्ब है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, फिर बाकी फटाक से ईटीसी, ये मैटर पूरा का पूरा चलता है और यही रूल फॉलो करना आप, ठीक, इसी के अकॉर्डिंग आप जानते रहना कि भाई इसमें क्या है, किस टेंस में है, ये सब पता रहेगा तो आप इजिली इसको बना सकते हो, बना बना कर अपने से अच्छे से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये करना होगा, तो यहां से सेक्शन सी फिनिश हो जाता है। अब बारी होती है बच्चों सेक्शन डी की। जो सेक्शन डी होता है, ये जो सेक्शन डी होता है, ये पूरा आपका लिटरेचर होता है, बोले तो पूरा का पूरा आपका बुक से होता है, ठीक। अब ये आपका बुक से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 नंबर तो इतना आसान होता है, 10 नंबर बच्चों आपके, एक तो 4 नंबर वाला क्या कहते हैं उसका सेंट्रल आइडिया, और 6 नंबर वाला आपका एक आता है, ठीक, स्टेंजा, तो वो भी दो टॉपिक एकदम आसान होते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन बुदेगा बच्चों कि आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 में कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में क्या है, किसी दो के लिखना है, दो के, इसलिए कि भाई पहले में ए वाले में भी अथवा करके दो रहेगा, बी वाले में भी अथवा करके दो रहेगा, इसलिए ये जो 4 नंबर का होता है, यानी 4-4 नंबर का रहेगा बच्चों, ये 4-4 नंबर का दो क्वेश्चन यानी 8 नंबर का रहेगा और एकदम आसान होता है। हमने पहले भी बताया बच्चों आप नहीं रट सकते, इतने चैप्टर है, 7 से 8 चैप्टर है, तो आप कितना रटोगे, कितना प्रोज में रट सकते हो या फिर सप्लीमेंट्री में, नहीं रट सकते। कहानी हमने लिए बताया ना, अब भी अगर नहीं देखा एक बार कहानी का सारांश देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में आगे ही दिया रहता है,
जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट टेम्पटेड फ्रांज टू स्टे अवे फ्रॉम कराकी स्कूल, ठीक, कह कि भाई फ्रांज को स्कूल से दूर करने के लिए किसने लुभाया, व्हाट टेम्पटेड यानी किसने क्या किया उसको लुभा दिया, फ्रांज यानी फ्रांज को, जो फ्रांज लड़का होता है, स्कूल से दूर रहने, यानी स्कूल से दूर रहने के लिए उसने भाई फ्रांज को किसने लुभाया। तो आपको पता है किसने लुभाया कि भाई अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो भाई उस मतलब जब वो बाहर देखता है तो चारों तरफ मतलब हरियाली थी, चिड़िया चहचहा रही थी और साथ ही साथ जैसे सूर्य मतलब जो धूप है वो खिली हुई थी और पास में ही क्या है जो सैनिक थे सोल्डियर्स थे वो क्या है मार्च नहीं परेड कर रहे थे। तो यही सब बातें तो उसको लुभाती हैं। तो आप इसको बना बना कर लिख सकते हैं ना कि आउटसाइड द एटमोस्फियर वाज मतलब फुल ऑफ जॉय, द बर्ड्स वेयर चार्पिंग जो मतलब चिट्ठियां क्या कहते हैं चिड़िया थी चहचहा रही थी, ठीक, द सन वाज राइजिंग सूरज जो है वो क्या निकल रहा था या शाइनिंग चमक रहा था, कुछ भी बनाकर लिखेंगे। तो इस तरह से जब लिखेंगे सोल्डियर्स वेयर मार्चिंग मतलब जो सोल्डियर थे सिपाही थे वो मार्च कर रहे थे मतलब परेड कर रहे थे, तो आप क्या है बनाकर तो लिख सकते हो ना। तो भाई इतना तो करना पड़ेगा बच्चों। जैसे अथवा में है कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल, कि जो सीमापुरी के इनहेबिटेंट, देखिए इनहेबिटेंट का मतलब होता है कि वहां के निवासी, कि सीमापुरी के निवासी कह रहा है कि फॉर हिज डियर सर्वाइवल यानी अपनी जीविका चलाने के लिए, सीमापुरी के जो निवासी थे अपनी जीविका चलाने के लिए कह रहा है कि वो क्या करते थे, क्या करते थे। अगर आपको पता होगा स्टोरी अगर आपने पढ़ा होगा तो वो क्या करते थे बच्चों, कचरा उठा मतलब उठाते थे, जितना कूड़ा कबाड़ होता था कूड़ा करकट होता था वहां से वो क्या करते थे कूड़ा निकालते थे। उनके लिए वो जो कूड़ा था वो सोने से कम नहीं था, उनके लिए कूड़ा क्या था एक सोना था। तो आप इसको बनाकर भी तो लिख सकते हो ना। तो आप कितना याद करोगे, पता चले कोई बता दिया कि हाँ यही याद कर लो, ना आया तो आप उसको भी गाली दोगे कि नहीं आया बता दिया। तो ये सब बनाकर लिखने वाली चीजें होती हैं, ठीक है ये। अब उसके बाद बच्चों जैसे दूसरे में है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड कह रहा है इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, मतलब कह रहा है कि डगलस के साथ ऐसी बचपन में कौन सी घटना हो गई थी जिसने क्या किया उसे पानी से भयभीत कर दिया यानी पानी के प्रति। तो जब वो बहुत छोटा था चार मतलब तीन से चार साल का था, ठीक, तो तीन से चार साल था तो भाई वो गया था कहां पर गया था, कौन सी झील थी नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब किसी बीच पर गया था, कोई बीच था वहां पर गया था, तो भाई उसकी जो पानी की लहरें है ना उसको धक्का देती थी तो वहीं पर वो डर जाता है क्योंकि वो तैरना जानता नहीं था, तो वही चीज उसको अंदर से डरा देती है। तो ये आप बनाकर लिख सकते थे कि व्हेन ही वाज मतलब थ्री फोर मतलब ईयर ओल्ड लिख सकते हैं कि ईयरलियर मतलब वो क्या है तीन से चार वर्ष का जब था तो उस समय क्या था कि मतलब किसी बीच के किनारे पर गया था तो उसकी लहरें लहरों ने उसे क्या किया भाई झकझोर दिया यानी गिरा दिया पानी में। तो ऐसा आप लिख सकते हैं बना करके, और क्या करना है यही तो करना है बच्चों। अथवा में जैसे है कि हु वाज रैट ट्रैप सेलर, मतलब रैट ट्रैप यानी चूहे दान बेचने वाला कौन था और हाउ डिड ही मेड देम, कि वो और इसे मतलब वो इसको कैसे बनाता था। तो आप बनाएंगे लिखेंगे ना बच्चों कि जो ये भाई चूहे दान बेचने वाला क्या था, एक वेगाबॉन्ड था, एक वेगाबॉन्ड का मतलब घुमक्कड़ जिसको आवारा बोलते हैं। तो आप लिख देंगे कि रैट ट्रैप वाज मतलब रैट ट्रैप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड, कि वो एक घुमक्कड़ व्यक्ति था, ठीक, मतलब जो क्या करता था अपनी जीविका चलाने के लिए इधर उधर मतलब ये बेचा करता था। और फिर कह रहा है कि वो इनको बनाता कैसे था, तो रैट ट्रैप को कैसे बनाता था, जो कृषि वाले यंत्र होते थे ये गोदामों में जाता था या कोई कारखाना फैक्ट्री में जाता था, वहां से जो भी तार वगैरह मिलते थे जो धातु के टुकड़े मिलते थे वो उनको कलेक्ट करके लाता था उसी से बनाता था। तो आप अगर कहानी समझते हैं तो आप बनाकर लिख सकते हैं, नहीं तो आप कितना भी हाथ पांव मारो बच्चों कुछ भी नहीं होने वाला, क्लियर। तो ये आपका मिल जाएगा पूरे कितने मतलब ये बात करें तो चार चार नंबर का। अब जो क्वेश्चन नंबर आठ होगा, क्वेश्चन नंबर आठ ये भी जो क्वेश्चन नंबर आठ होगा ये पूरे के पूरे भाई 80 शब्द में लिखना होगा, एक और सात में, सात मतलब सात नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई एक करना होगा। जैसे देगा कि भाई अटेम्प्ट ए कह रहा है कि कैरेक्टर स्केट आप सोफी, भाई ये जो सोफी है सोफी का चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक, जो सोफी का मतलब सोफी का चरित्र चित्रण है आपके प्रोज में लास्ट वाले चैप्टर से पिछले चैप्टर है
ठीक। अब उसके बाद जैसे दिया है कि डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाई गांधी जी इन चंपारण, कि चंपारण में गांधी जी ने क्या मतलब क्या स्ट्रगल क्या संघर्ष किया था भाई, चंपारण के लिए उन्होंने क्या गांधी जी ने कौन सा संघर्ष किया था, मतलब क्या क्या दिक्कतें हुई या उन्होंने क्या किया, तो आप पूरा लिख सकते हैं ना कि सबसे पहले उसने क्या किया भाई, वो किससे सबसे पहले क्या है कि भाई राजकुमार से मिला, ठीक, जो एक बटाईदार था वहां पर उसने क्या अपनी समस्याएं बताई, उसने बताया कि लोग मतलब जो वकील हैं वो क्या है काफी ज्यादा हमसे भाई इसके लिए पैसा मार रहे हैं, और वहां के जो जमींदार हैं वो हमसे और जो टैक्स है और बढ़ा रहे हैं फसलों पर, हम मतलब ये सब लिखेंगे कि ये सब कहानियां लोगों ने गांधी जी को सुनाया, फिर गांधी जी चंपारण आए, उन्होंने वहां पर क्या किया भाई, उन्होंने वहां पर सत्याग्रह किया यानी नील की खेती के लिए विद्रोह किया, फिर वहां पर बटाईदारों को इकट्ठा किया, फिर जाकर के आंदोलन किया, तब जाकर के अंग्रेज उनकी बात से सहमत हो गए। तो यही बना बनाकर आप लिखेंगे ना, क्योंकि रट तो नहीं सकते हैं आप, तो ये काम करना है, ठीक है, नहीं तो बच्चों पेपर भाई गड़बड़ हो जाएगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं और हम नहीं चाहते हमारे रसगुल्लों का पेपर खराब हो। और नौवां जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन बच्चों 6 नंबर का आएगा। अब 6 नंबर की कीमत क्या होती है बताने की जरूरत नहीं है, कितना भाई 6 नंबर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, आपका कोई एक स्टेंजा देगा, ठीक, जिसको स्ट्रैक्ट बोलते हैं, इसको स्ट्रैक्ट यानी एक दिए गए ये पद्यांश को केयरफुली पढ़ना है, और इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के 2-2 नंबर रहेगा, तो आपका भाई एक दिया रहेगा। ऐसे इसमें अगर हम बात करें तो आगे के ही रहते हैं, वैसे भी हमने सब करवा दिए हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। अब जरूरी नहीं कि आप जिसे पता चले कि पहले चैप्टर का पढ़े हो तो पहले चैप्टर का कोई लास्ट वाला आ गया तो कहोगे सर पढ़ाया ही नहीं, उस चैप्टर का आ जाए बस इतना बहुत है, कोई भी आए उससे नहीं मतलब। जैसे एक दिया है आंट जेनिफर टाइगर्स से हमने लिया है, ठीक, आगे तो बहुत करवा चुके हैं वैसे भी, कि आंट जेनिफर टाइगर्स कह रहा है कि प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन, कि जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो क्या है पर्दे के इस पार उस पार उछल कूद कर रहे हैं। अब आंट जेनिफर ये टाइगर वाला मैटर क्या होता है, ये पूरी कहानी समझ लीजिए, अगर इसमें आ गया आप कोई भी इसके अलावा भी आ गया तो लिख लोगे। आंट जेनिफर अगर बात करें तो जो इसमें लेखिका होती है वो एक अपने आपको ही कैरेक्टर के रूप में बयां करती हैं, और वो क्या है प्रताड़ित अपने पति के द्वारा की गई मतलब प्रताड़ना के बारे में बात करती हैं, कि भाई मेरी जो शादीशुदा जिंदगी है वो एकदम बेकार हो चुकी है, मेरे पति मुझे मारा करते थे, हमेशा मुझे मारते थे, ठीक, मैं बहुत अत्याचार सह चुकी हूं। और वो क्या है एक कढ़ाई करती है, कोई चीज बना रही होती है, उस पर उन्होंने क्या है एक कढ़ाई किया, पेड़ बना दिया और उस पे कुछ उछलते कूदते टाइगर बना दिया, और वो टाइगर ये बयां कर रहे हैं भाई उनका दर्द वो खुद बयां कर रही हैं कि भाई मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी हुई है, निराशा से भरी हुई है, मेरे पति हमेशा मुझे भाई प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, लेकिन ये जो शेर है इनकी जिंदगी एकदम अलग है, ये स्वाभिमानी होकर एकदम शांत होकर एक मजे में उछल कूद कर रहे हैं, इन्हें कोई डर नहीं है, इसके नीचे पेड़ के नीचे मनुष्य बैठे हैं लेकिन उनका डर नहीं है, क्योंकि ये बहादुर है, ये क्या है बहादुर है भाई, अगर हम बात करें डरपोक नहीं है, तो ये चीज कह रहे हैं वो, फिर संदेश देना चाहती है समाज को कि आज की महिलाओं को क्या है साहसी होना चाहिए, हिम्मती होनी चाहिए, उनको डरपोक नहीं होना चाहिए यानी कायर नहीं होना चाहिए भाई, किसी के प्रताड़ना को नहीं सहना चाहिए। उनका कहना यह है कि अगर कोई आपके अत्याचार कर रहा है तो उनसे लड़ो, लड़ो का मतलब उनको उठाकर पटकना नहीं है, मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाओ। तो ये वहीं से दिया गया है, ठीक, कि आंट जेनिफर टाइगर प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन कह रहा ब्राइट टूपास डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक कहा गया भाई, हाँ, चिवार्लिक सर्टेनिटी। देखिए इसमें यह बोल रहा है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो स्क्रीन के इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, मतलब पूरे चारों तरफ अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो अत्यंत ब्राइट यानी जैसे ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, तो यहां पर वो क्या है एकदम साफ सुथरा निस्वंद, ठीक, वो हरियाली में पूरा का पूरा इधर उधर संसार की हरियाली में मजा ले रहे हैं, और उसके बाद वो क्या है पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों से भयभीत नहीं होते हैं, फिर कह रहा है कि भाई वो क्या है बड़े ही शांत मन से, बड़े ही शांत और स्वाभिमानी तरीके से वो क्या करते हैं चल रहे हैं। तो ये इसमें पूरा का पूरा दिया गया है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है कि हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव, कि जो आंट जेनिफर हैं, आंट जेनिफर यानी जो आंट जेनिफर हैं उनके टाइगर कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो भाई क्या कर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं ना,
ये प्रांस कर रहा है क्रॉस द स्क्रीन, यानी वो पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। तो आप यही लिखेंगे भाई, कर्ता पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे जेनिफर्स, क्या लिखेंगे जेनिफर्स, ठीक जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक टाइगर्स लिखेंगे जेनिफर टाइगर्स टाइगर्स, फिर उसके बाद पूरा इसे आप छाप दीजिए, ठीक प्रेंस प्रेंस एक्रॉस एक्रॉस ए स्क्रीन, या अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं कि भाई इधर उधर क्या है वो उछल कूद कर रहे हैं, नहीं तो पूरा का पूरा वही कि जो आंट जेनिफर से टाइगर है, जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस एक्रॉस था, ठीक मतलब यहां पे के उछल कूद करते हैं, ठीक है इतना। आगे कह रहा है कि व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर, यहां पर फियर नहीं बल्कि फियर होगा बच्चों, फियर फियर नहीं भाई फियर एफ ई यहां पर ए आर होगा फियर, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, कि जो टाइगर हैं वो पेड़ के नीचे बैठे पर मतलब पेड़ के नीचे बैठे लोगों से डर क्यों नहीं रहे हैं। यही तो बोला है कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, कि वे पेड़ पर के नीचे बैठे लोगों से नहीं डरते, क्यों, क्योंकि वो सभी के सभी एकदम हृष्ट पुष्ट मतलब तंदुरुस्त हैं, बहादुर हैं, भी तो बताया ना, जरूरी नहीं इसमें दिख जाए तभी लिखो, तो वो चीज आप लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों पूरा का पूरा पहले छापना है, तो लिखेंगे टाइगर, ठीक लिखेंगे टाइगर्स, ठीक डू नॉट टाइगर्स डू नॉट फियर, पूरा एक बार छाप दीजिए फियर द मैन, फियर द मैन बीनीथ बीनीथ द ट्री, बीनीथ द ट्री बिकॉज बिकॉज, क्योंकि अभी तक पूरा का पूरा यही उतारा, तो भाई क्या है, कह रहा है कि टाइगर्स पेड़ के नीचे बैठे लोगों से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि फिर लिख देंगे बच्चों कि दे आर बोल्ड, ठीक बोल्ड, ठीक वो क्या है सबके सब एकदम बहादुर हैं, बस सिंपल सी बात है। आगे है कि हाउ डू द टाइगर्स पेस, मतलब टाइगर कैसे चलते हैं, कैसे चल रहे हैं भाई, ये देखिए स्लीक इन स्लीक चिवारलिक मतलब होता है यहां पर शांत और स्वाभिमानी तरीके से, ठीक तो आप लिख देंगे बच्चों, तो लिखेंगे क्या टाइगर्स, ठीक टाइगर्स, ठीक टाइगर्स लिखेंगे पेस, ठीक टाइगर्स पेस कैसे चल रहे हैं भाई, इन पूरा का पूरा लिख देंगे इन स्लीक चिवारलिक, या इसको अपने से लिखना चाहते हैं सो एलिगेंट, ठीक यही लिख सकते हैं ना, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉ, तो यहां पर मतलब आप इन यहां पे एलिगेंट भी लिख सकते थे, एलिगेंट का मतलब होता है बच्चों वही चीज मतलब एकदम सॉफ्ट शांत तरीके से, ठीक है शांत मतलब एलिगेंट, तो यहां पर आप एलिगेंट भी इसके स्थान पर एलिगेंट भी लिख सकते थे, ठीक क्या लिख सकते थे एलिगेंट, सो एलिगेंट इन एलिगेंट मतलब शांत या स्वाभिमानी तरीके से चल रहे थे। तो इस तरीके से क्या करना होगा आपको, मतलब एक दिया रहेगा स्टेंजा, उससे रिलेटेड आपके तीन क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसी का आंसर भाई इन सबका आंसर इसमें से छांट कर लिखना होगा। अब उसके बाद मतलब दसवां जो होगा, दसवां बच्चों दसवां जो होगा ये आपका, ये तो 100 में 100% है, इसको तो कोई छीन भी नहीं सकता आपसे, गारंटी है ये आपका 100% इसमें मिलेगा, ये पूरे 4 नंबर का पूछा जाएगा, कहेगा कि भाई किसी एक टॉपिक पर आपको क्या करना है सेंट्रल आइडिया लिखना है, जिसमें बच्चों यही तीन आप एकदम से तैयार कर लीजिए, प्लेलिस्ट भी बनाया है फिर से एक बार जाकर देख लीजिए, सेंट्रल आइडिया की अलग से प्लेलिस्ट भी है, ठीक माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, 100 में 100% इसके लिए गारंटी है बच्चों, एकदम 100 में 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसके बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि तीन देगा, अब तीन देगा भाई वैसे भी आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, अब या तो भाई पहला तीसरा चौथा देगा, या फिर देख देगा कि भाई पहला दूसरा तीसरा, या फिर दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर, या फिर हम भाई अगर हम कह लें कि यहां से क्या है तीसरा चौथा और पांचवा ऐसे करके देगा, तो चाहे जो देगा इन तीन में से तो एक ऐसे भी रहेगा, इसलिए ये तीन तो 100% हर हाल में तैयार होने ही चाहिए, ठीक। तो ये 10 नंबर पे 10वां क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा जो 11वां क्वेश्चन होगा भाई,
11वां क्वेश्चन बच्चों, अब थोड़ा तबीयत भी हमारी खराब हो रही है, सर दुखने लगा है, पता नहीं किस कारण से। तो बच्चों जो 11वां होगा याद रखना, बता दे रहे हैं भाई, इसमें से सप्लीमेंट्री का होगा। सप्लीमेंट्री का बच्चों इसमें आपका, इसमें भी दो क्वेश्चन होगा, जैसे प्रोज में बताया ना चार चार नंबर का, इसमें भी वही अथवा करके आएगा। आपको पता है भाई मॉडल पेपर बहुत सारे करवा दिए हैं, ठीक, फिर से एक बार हम कल सुबह करवा देंगे, परेशान ना रहिए, ठीक। अब उसके बाद फिर से इसमें 12वां जो क्वेश्चन होगा, 12वां में आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग वाला करना होगा जो 8 नंबर का होगा, ठीक। तो ये सप्लीमेंट्री, जैसे प्रोज का आपका क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से सप्लीमेंट्री का भी बच्चों आपका, मतलब यहां से अगर हम देखें तो ये 15 नंबर का, जैसे प्रोज में होता है चार चार, फिर एक 7 नंबर का, सॉरी 7 नंबर कहेगा, उसी तरह सप्लीमेंट्री का भी आपका 7 नंबर का ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना। हो गया बच्चों, चलिए तो बस ये आपको पूरी प्रिपरेशन करके जाना है। तो और भाई हमारी यही विशेष है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बढ़िया हो, कुछ भी आए बच्चों, कैसे भी आए, छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, साल भर की मेहनत है आपकी। तो ये ना होने पाए कि काश मैंने पेपर में वो क्वेश्चन किया होता, ये किया होता, वो किया होता। समय का भी ध्यान देना है, क्योंकि जैसे हिंदी वैसे पूरा इंग्लिश समझिए, जो पूरा हिंदी होता है सेम उसी तरह इंग्लिश पूरा का पूरा इंग्लिश है, बस बस इतना अंतर है। और कुछ ऐसे आपके टॉपिक हैं जो रस छंद अलंकार, उनको निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा मिलता जुलता है। वैसे भी एक अलंकार आएगा इसमें, स्टेंजा वाले में शायद आएगा, ठीक, नीचे वाला क्वेश्चन। तो कुछ भी दे, परेशान नहीं होना है, बस पूरा का पूरा फोड़ कर आना है। हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से पेपर दे करके आओ, फिर जमकर फिजिक्स के लिए तैयारी करो। लव यू ऑल, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर बढ़िया जाए, गॉड ब्लेस यू माई डियर। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारे भाई एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक भी जरूर कर दीजिए।